वेलकम बैक गाइज। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आई एम सॉरी, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं रूम, मतलब पबजी का रूम। और इस वीडियो में एक ऐसे प्लेयर हैं, मतलब प्लेयर तो चार हैं वैसे, खेल दो ही रहे हैं तो। और ये फेल गया यहाँ पे भाई साहब डेड कैरियर ने। यहाँ पे पता है सीन क्या है? सीन ये है कि भाई डेड कैरियर को चैलेंज किया है शान ओपी ने, शान भाई हमारे, क्योंकि डेड कैरियर के पास अच्छा फ़ोन है और वो फुल ज़ायरो प्लेयर हैं। ये केडी मेंटेन रखते हैं, इनकी केडी 4 की केडी है। और शान भाई जो है नॉन ज़ायरो हैं और एक बेकार मोबाइल में खेलते हैं। बट फिर भी चैलेंज ये है कि इन्होंने बोला है कि अगर 10 के लिए कर लेते हैं तो मैच इनका। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी देख रहे हैं, दो बार पिल चुके हैं हमारे शान भाई, दो बार ठहरा दिया है इन्होंने, बहुत ही आराम से ठिल गए शान भाई, क्योंकि ज़ायरो का प्रयोग चल रहा है लगातार, फुल जिगल विगल चल रहा है, जिगल उगल करके शान भाई को अलग ही एकदम पेला जा रहा है मस्त से। शान भाई भी बहुत अच्छा खेलते हैं बट क्या करें, ज़ायरो ने जंप शॉट लिया, शान भाई ने उनका जंप शॉट लिया और आज एंड वन का टोला कर देंगे यहाँ पे। बट कोई भी, और ये पिस्टल से बहुत ही बढ़िया गन स्विच की थी, लेकिन पिस्टल और M4 बहुत फ़र्क है और हेड कनेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। तो भाई साहब डेड कैरियर के हो चुके हैं 3 किल। आप इनके जिगल देख रहे हो भाई साहब, इतना तगड़ा जिगल कर रहे हैं, इतना तगड़ा जिगल कर रहे हैं कि लग रहा है कि भाई साहब कुछ देर में ये थोड़ी देर में इधर और थोड़ी देर में लेफ्ट है, थोड़ी देर में राइट पहुंच जाएंगे। बट कोई नहीं, और जो ऊपर दो चढ़े हुए हैं आप देख पा रहे हैं, विलन ओपी भाई साहब और टाइटन मिस्टिक, ये दोनों लौंडे जो हैं ये मैच का लुक उठा रहे हैं। तो बैठ के मत होइए, लेट के गलत गलत किया, लेट के बहुत गलत। सामने वाले को जिगल शॉट मिला और उसने ज़ायरो का इस्तेमाल करके हेड लिया पूरा, बहुत ही बढ़िया। और शान भाई का हम कर रहे हैं स्पेक्टेट, शान भाई फुल बंदे की पोजीशन को देखते हुए किधर किधर जाना है फुल। और यहाँ शान भाई घुस चुके हैं कंटेनर के मुंह, कंटेनर में अपना मुंह दे चुके हैं शान भाई और लगता है निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। शान भाई घुस चुके हैं कंटेनर के अंदर, हमने स्विच कर दिया है डेड कैरियर के ऊपर। भाई साहब इनको अभी शान भाई की पोजीशन का बिल्कुल नहीं पता है, ये ढूंढ रहे हैं किस तरह से, लेकिन अभी एकदम से फुट स्टेप आएंगे। ये आगे शान भाई अलग तरीके से और शान भाई ने फायर बिल्कुल नहीं किया, बहुत ही बढ़िया। कोई फ़ायदा नहीं उठाया उन्होंने पोजीशन का, कैंपिंग बोली जा सकती थी लेकिन कैंपिंग नहीं, और बिल्कुल 0 HP छोड़ा शान भाई ने, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने प्रोन का। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी प्रोन नहीं होना चाहिए, जब बंदा प्रो हो उसको जिगलता तगड़ा हो कि वो क्या बोले। और यहाँ पे भाई साहब ये नहीं, क्योंकि वेस्ट हो चुकी है इनकी ख़त्म, वेस्ट हेलमेट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो बंदे ने खुद को ही मार लिया, बहुत ही समझदार। यहाँ हो चुके हैं लगातार 5 किल और अभी भी शान भाई का कोई भी खाता नहीं खुला है। तो क्या लगता है आपको, शान भाई 10 किल कर पाएंगे? देखते हैं इस मैच में शान भाई 10 किल कर पाते हैं या नहीं। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही तगड़ी तगड़ी वीडियो टिप्स के साथ लाता रहूँगा। यहाँ पे शान भाई पूरा पूरा फ्लैंक करके जंप शॉट लेते हुए, लेकिन जंप शॉट का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फायर रोक दिया था। ऐसे टाइम में फायर नहीं रोकना चाहिए बिकॉज अगर आप ऐसे मतलब एकदम से ओपन में जंप शॉट लेते हो तो आपको फायर नहीं रोकना चाहिए और आपको जिगल करना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कवर फायर लिया, जिगल किया, प्रोन भी होना चाह रहे थे वह, प्रोन से पहले ही इन्होंने जिगल देते थे खत्म कर दिया बिकॉज ये हेड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डेड करियर। तो Team 2 बहुत ही खतरनाक तरीके से Team 1 को फेल रही है। शान भाई बहुत ही परेशान, एक भी किल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं शान भाई। और ये पिस्टल से मार दिया, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ये गलत सीन हुआ यहाँ पे, पिस्टल से मार दिया शान भाई ने, बहुत ही उम्दा गन स्विच किया पिस्टल से मारते हुए। और हमें उम्मीद लग रही है कि अब शान भाई अपने अपने जो भी किल्स हैं उस आराम से कर सकते हैं क्योंकि अभी खाता खुला है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं गाइस। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि कब जाके ये मैच एक ऐसे मोड पर पहुंचेगा जहां पे सबके रॉन्ग टेकड़े हो जाएंगे। शान भाई ने फुल टैंक किया और ये कवर का फायदा, ओहो फिर कवर में, और ये फायर देखे फिर कवर में, कितने ही आराम से कवर फायर और जंप शॉट लिया, प्रोन हुए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। इसको बोलते हैं बहुत तगड़ा दिमाग लगाना, आपको पहले जंप शॉट करना है फिर प्रोन भी होना है और वहाँ पे जिगल भी करना होता है। तो भाई ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं। और ये शान भाई राइट में, ये बहुत ओ कवर में जाते हुए जंप शॉट लिया फिर से, बंदे को डैमेज देकर फिर जंप शॉट लेकर प्रोन होते हुए, और प्रोन होने का पूरा फ़ायदा 3 किल निकालते हुए देख रहे हैं आप।
बहुत ही धांसू तरीके से एक चार की केडी वाले बंदे को, वो फुल जायरो खेल रहा है, उसको फेल रहे हैं शान भाई, जो कि रेडमी के नोट 5 या फिर 6 में खेलते हैं, आई डोंट नो, जिसमें जायरो नहीं है। तो सोचो कितना ही गंदा सीन चल रहा है इनके साथ, और गजब जंप शॉट लेके इतना खतरनाक खेलने लगे हैं शान भाई, सारे जिगल उगल साइड कर दिए इन्होंने। तो भाई ये उमदा चीज़ है भाई, इसका कोई टक्कर वक्कर नहीं ले सकता। तो मैं आपको इतने बताना चाहूँगा, अगर आप ये रूम देख रहे हैं तो इस रूम से आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगे, बिकॉज इसमें आपको फुल जिगल, प्रोन शॉट, जंप शॉट, कब आपको फायर देना है, कैसे फायर देना है, कनेक्ट कहाँ करनी है, बॉडी कनेक्ट बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन आपको मोस्टली हेड ही कनेक्ट करना है, बिकॉज हेड कनेक्ट करने पे ही आपका डैमेज ज़्यादा होगा सामने वाले से। अगर सामने वाला आपको बॉडी कनेक्ट करता है और आप फुल हेड कनेक्ट करते हो, तो ऑब्वियसली बंदा सामने वाला मर ही जाएगा। और पीछे से फायर दे रहे हैं हमारे विलन भाई, देखा, फुल बॉडी शॉट लिया डैमेज, और यहाँ पे फुल कवर में जंप शॉट का प्रयोग, बट गन स्विच कर ली, गलत हुआ, गन की सारी गालियाँ बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, गालियाँ निकल गया मुँह से, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। गन की सभी गोलियाँ हो चुकी थी खाली, पिस्टल स्विच की, लेकिन पिस्टल का इतना डैमेज नहीं है जितना हमको होता है, ये ध्यान रखें। पिस्टल तभी स्विच करें जब आप दोनों का रिलोडिंग हो, या फिर आप कवर में हो और वो ओपन में हो, तब पिस्टल स्विच करें। कवर से निकल के एकदम से आपको मारना है कवर में, या फिर आप पीक कर सकते हैं, जैसे पिस्टल पीक कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यार 5 किल हो चुके हैं, बस 5 किल की देरी है, और बहुत ही आसानी से शान भाई को बीच में टपका दिया गया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, बहुत खेद हुआ मुझे इस चीज़ का, फुल जिगल जुगल करते हुए ईशान भाई ऊपर में आते हुए, बहुत ही गलत सीन, कवर में लिया उसको जंप शॉट, या फिर कवर में लिया ईशान भाई की टेनिस भी और ख़त्म, ये बहुत गलत सीन हुआ। उन्हें पता था कि वो जंप शॉट ही लेंगे, तो उन्होंने शॉट को इस तरीके से मेंटेन किया कि वो जंप शॉट के अकॉर्डिंग अपना एम रखा। तो ये एक प्रो प्लेयर की निशानी है कि वो हमेशा जिगल करता है, लेफ्ट जाता है, राइट से निकलता है, राइट जाता है, लेफ्ट से निकलता है, यही है एक प्रो प्लेयर की निशानी। ईशान भाई देखिए किस तरह से ऊपर आके गलत कर दिया ईशान भाई ने, बहुत ही गलत सीन ईशान भाई के साथ, आराम से मैच ले सकते थे, मतलब आराम से किल ले सकते थे, उनको बस क्या करना था, ऊपर जाने के बाद प्रोन होना था, फिर जब वो ऊपर आते तो उन्हें जंप शॉट लेना था, ये पिस्टल का प्रयोग करते हुए, लेकिन बंदे ने किया पूरा प्लान और जंप शॉट का प्रयोग और किल, बहुत ही उम्दा तरीके से, फुल फुल एकदम, मतलब कैडी मौज कर दी। अगर इस जिस तरीके से खेल रहे हैं प्रो प्लेयर और ये नॉन जायरो, तो मुझे लगता है कि यहाँ शान भाई बहुत ही टॉप खेल रहे हैं, क्योंकि नॉन जायरो खेलना बहुत मुश्किल है। जंप शॉट का प्रयोग, लेकिन 0 HP, फुल एच कनेक्ट, एक बॉडी शॉट दिया, और मुश्किल लग रहा है यहाँ पे शान भाई की हेल्थ बिल्कुल 0, उनकी हाफ HP कवर होते हुए, बंदे ने कवर लिया लेफ्ट से, ये लेफ्ट से जंप शॉट लेने की तैयारी है, ये जंप शॉट शान भाई की HP फुल हो, शान भाई ने फिर से स्विच किया और ये आकर पेल दिया, बहुत ही उम्दा। तो भाई बंदे को सामने वाले को पता लग गया था कि गोली कितनी लगाई है, कितनी लगी है, कितनी कनेक्ट हुई है, क्या मैं मार सकता हूँ या नहीं मार सकता, ये सब चीज़ें गोली लगी है भैया, मस्त एकदम। और यहाँ पे जंप शॉट का प्रयोग, लेकिन कोई फायदा नहीं, बंदे ने अपना फायर ही नहीं रोका और शान भाई ने प्री फायर ही नहीं दिया। देखो प्री फायर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें, अगर आप प्री फायर दे गए जंप शॉट लेते हो, तो आपका एक हाथ बॉडी कनेक्ट होगा, फिर जब आप रुकोगे तो एक हाथ तो हेड कनेक्ट होगा, तो उसमें बंदा मर जाएगा। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई कीजिए कि आप जब भी जंप शॉट लो तो प्री फायर दें आप। और शान भाई बहुत गलत ओपन में ही खड़े रहे, कवर लेने की कोशिश भी नहीं की, और ना लेने की वजह से अभी ठिल चुके हैं, बहुत गलत सीन हुआ। ऊपर से आते हुए और ये चला रहे हैं, हमको तो समझ नहीं आ रहा, HP हो चुकी है बहुत ख़त्म, और ये बिल्कुल ख़त्म HP, और प्रयोग करेंगे जो हम प्रोन शॉट का, लेकिन प्रोन शॉट लिया, बहुत बढ़िया प्रोन शॉट लिया, ये बढ़िया प्रोन शॉट था, जबकि सामने वाला पर्सन ने पहले प्रोन शॉट लिया, बाद में शान भाई ने प्रोन शॉट लिया, लेकिन फिर भी प्रोन शॉट का प्रयोग वो नहीं कर पाया, और शान भाई के दिन ख़राब आते हुए, क्योंकि सामने वाले ने फुल बॉडी दी है सामने से रेड डॉट से, और अब वो बंदे को बस डैमेज थोड़ा सा और देने की तैयारी, और क्या बात, खत्म। तो मुझे यहाँ पे मैच का एंड दिख चुका है, बिकॉज बहुत ही कम समय बचा हुआ है और मैच हो चुका है ख़त्म बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हो, तो
मुझे आप कमेंट बता सकते हैं अपनी पबजी आईडी, मैं आपके लिए एक रूम बना सकता हूँ जो कि मेरे साइड से रहेगा और उसमें आप आराम से एक मैच कर सकते हैं किसी भी प्लेयर के साथ। अगर आप ज़्यादा प्रो हैं तो हम आपको रेड टीम मिलवाएंगे टेड करियर विक्ट्री। से। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस।